ऐसे स्पेक्ट्स बताएं जिससे हम नेशनैलिटी भी ले लें। लोगों में ये रुझान क्यों पैदा हो? फेडरल की रिक्वायरमेंट्स जरा हाई हैं। तो पैसे कितने को चाहिए होता है? 3 साल बाद ही पासपोर्ट देगा। कैरियर किस तरह से ग्रो कर सकेगा? बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी। कितना सेव कर लेते हैं और कितना जो है वो उनको लगाना पड़ जाता है। अस्सलामुअलैकुम, पीएनवाई ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम हम और आप पीएनवाई के साथ में हूं आपकी होस्ट सानिया इसहाक। नाज़रीन, फ्रॉड से किस तरह बचा जाए, कैनेडन इमिग्रेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, दूसरे ममालिक में जाने के लिए 1, 2, 3, 4 स्टेप क्या होता है, स्किल्ड वर्कर क्या चीज होता है, कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, किस तरह हम जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, इन तमाम के तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है राना इनामुल्लाह खान साहब को, जो कि हाइब्रो के चेयरमैन एसोसिएट्स हैं। उनसे इन तमाम के तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। जी अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, मेरा सवाल सबसे पहला ये है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेशनैलिटी बाहर के ममालिक के लेने के क्यूरियोसिटी सी पैदा हो गई है, कल्चर डिवेलप होता जा रहा है, तो 5 ऐसे स्पेक्ट्स बताएं जिससे हम नेशनैलिटी भी ले लें और उसका हमें आगे आने वाले वक्तों में फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, ये आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। जी जी, कि इसमें लोगों में ये रुझान क्यों पैदा हुआ और लास्ट 4-5 ईयर से इसमें डे बाई डे ये बढ़ता जा रहा है। इसकी मेन वजह तो एक जो पूरी दुनिया में इकॉनमी के हालात हैं और लोग देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में हमारा कैरियर क्या है, कल को हम आज से 10 साल के बाद या 20 साल के बाद हम कहाँ पे खड़े हैं, और अगर हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, हमारी फैमिली का क्या मुस्तकबिल है, तो ये सब चीज़ें वो जहन में रखते हुए दूसरे कंट्रीज़ को वॉच करते हैं कि कल को अगर हम फलां कंट्रीज़ की नेशनैलिटी लेते हैं तो आया बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी, मेडिकल फ्री होगा, या उनका कैरियर किस तरह से ग्रो कर सकेगा। और एक तीसरा एलिमेंट है सेफ्टी का, ठीक है, जो प्रीवियस हमारे कंट्री की हिस्ट्री रही कि यहाँ पे आए दिन बम ब्लास्ट और इस तरह की चीज़ें चलती रहीं, जो कि अल्लाह का शुक्र है अब हमने उस पर काबू पा लिया है और बड़ा अच्छे तरीके से हम उसको प्रॉपरली हैंडल करके चल रहे हैं। तो लेकिन इसके बावजूद ऑब्वियसली इकॉनमी के हालात वो ऐसे नहीं हैं जैसे कि दूसरे कंट्रीज में, तो उसमें फिर हर बंदा ये सोचता है कि मैं एक सेकंड ऑप्शन पे जाऊं, मेरे पास किसी अच्छे कंट्री की नेशनलिटी हो लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप। अब वो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवा सकते हैं, आप उनका मेडिकल फ्री रख सकते हैं, इवन के वो कंट्रीज आपको पर मंथ स्टाइपेंड भी देते हैं। तो ये वो कंट्रीज है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। या okay. इसमें नंबर 1 कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप। अब आप कनाडा की मिसाल ले लें, कोविड के दिनों में कनाडा ने जो उनके नेशनल लोग थे जिनके पास कैनेडियन पीआर या कैनेडियन इमिग्रेंट वीज़ा या नेशनलिटीज थी, उनको कोविड के दिनों में जॉबलेस को कनाडा ने $2,000 पर पर्सन पे किया। और जो छोटे कारोबारी लोग हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको $40,000 तक पर मंथ उन्होंने दिया है, जो कि उसमें उन्होंने एक लॉन्ग टर्म रखा है कि आप उसको बड़े एहसान जो है इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। लेकिन वो जो क्या उसे कहते हैं डबल नेशनैलिटी, जो वो पाकिस्तान में मसाइल भी तो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, वो कहाँ कहाँ करना पड़ता है ये भी बता दें। देखिए, ड्यूअल नेशनैलिटी का उन लोगों में प्रॉब्लम है जो जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं या हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके लिए इश्यूज़ हैं। ऑब्वियसली ये दोनों कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें हमारे जो पॉलिसी है वो कोशिश करते हैं कि ड्यूअल नेशनलिटी ना हो। तो उसमें भी मैंने ये देखा है कि बहुत सारे हमारे
पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट सर्वेंट्स वो उनके या तो कोई बच्चा नेशनल होता है या उनकी मिसेज नेशनल होती हैं, वो खुद ना भी हों तो उनके बच्चों में से या किसी मतलब फैमिली में से कोई एक आध बंदा नेशनल होता है, तो उससे उनको ये बेनिफिट होता है कि अगर कोई फॉरेन एजुकेशन के लिए वो अपने किसी बच्चे को भेजना चाह रहे हैं बाहर स्टडी के लिए, फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजना चाह रहे हैं, तो वो उनकी ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है अगर उनके पास वहाँ की नेशनलिटी है या पीआर होल्डर है, तो वो एजुकेशन उनकी ऑलमोस्ट फ्री है, तो उनको वो इंटरनेशनल फीसेस पे नहीं करना पड़ती। अच्छा, एक बंदा जो है वो बाहर जाके बंदी से या बंदे से नेशनल बंदे से शादी कर लेता है, उसको कितने अरसे बाद जो है नेशनैलिटी मिल जाती है? देखिए, नेशनैलिटी तो जो उनका टाइम ड्यूरेशन है, चाहे आप शादी करके जाएं या आप या उधर जाके शादी करें या स्किल्ड इमिग्रेशन पे जाएं या बिजनेस इमिग्रेशन पे जाएं, तो वो तो टाइम पीरियड ऐसे ही है। लाइक कैनेडा जो है, अगर आप वहाँ की नेशनल लड़की से या लड़के से शादी करते हैं तो कनाडा आपको 3 साल बाद ही पासपोर्ट देगा, लेकिन जैसे ही आप शादी करते हैं किसी ओवरसीज नेशनैलिटी से, आप वो सारे राइट्स ले सकते हैं जो एक वहाँ का नेशनल ले रहा है। स्किल्ड इमिग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? स्किल्ड इमिग्रेशन में मोस्टली जो पाकिस्तान से या ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग पिक किए जा रहे हैं वो हाईली स्किल्ड लोग हैं। हाईली स्किल्ड में मैं बात करूंगा 4 इयर्स बैचलर के बाद मास्टर या एटलीस्ट 4 इयर्स बैचलर। अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मोस्टली इन कंट्रीज की नेशनलिटी स्किल्ड पे चल रही थी। यूके शायद अभी जनवरी में इस पे काम कर रहा है और उसने इसको अनाउंस भी किया है, क्योंकि यूके इस वक्त ब्रेग्जिट, यूरोपीय यूनियन से अपने आप को ब्रेग्जिट कर गया, तो अब उनको मजीद स्किल्ड लोग चाहिए, मजीद इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इसमें मैं बताता चलूँ हमारी यूथ के लिए कि हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम यूके में चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं, चाहे अगर हम स्किल्ड की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो हम उस पे जा सकते हैं। इस यूके में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अब जनवरी के बाद हमें देखने में आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जॉब पे जो लोग उधर जाते हैं वो कितना सेव कर लेते हैं और कितना जो है वो उनको लगाना पड़ जाता है वहाँ पे रहते हुए? देखें, आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा होगा, आपकी फैमिलीज में से, दोस्तों में से लोग जाते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ उनके जो हालात थे और बाहर जाने के बाद अब उनके एक तो फैमिली के जो सरकम चांसेस हैं वो चेंज हुए, उनमें एक खुशहाली का रुझान बढ़ा, और सेविंग की जो बात आप कर रही हैं, सेविंग ये तो डिपेंड करता है ना, आप वहाँ पे कितने घंटे जॉब करते हैं, कितने घंटे आप रेस्ट करते हैं, और सेविंग आप किस तरह से कर रहे हैं, आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाने खा रहे हैं, या आप और अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो आप शायद सेविंग ना कर सकें। और जिन लोगों का मकसद सेविंग करना है वो ऑब्वियसली वो सेविंग करते हैं और घर भी, और घर भी भेजते हैं। ये तो हमने मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी अरसे से कि लोग अपने घर भेजते हैं बच्चों के लिए या अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, पेरेंट्स के लिए, दे आर वेरी हैप्पी। कैनेडन इमिग्रेशन के लिए हमें कितने पैसों की ज़रूरत होती है और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, किस तरह मतलब बंदा पूरा? देखिए, जो नंबर वन जो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं वो स्किल्ड में जा रहे हैं, तो स्किल्ड में तो एस एच को इतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती। नंबर वन, स्किल्ड में आपकी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए जो कि बैचलर या एमफिल है, 4 इयर्स बैचलर के बाद मास्टर या इक्वल टू कैनेडियन मास्टर एमफिल पीएचडी, और मोस्टली जो एज लिमिट है वो 40 से कम हो। अब इसमें भी 2-3 तरह की इमिग्रेशन है, एक फेडरल इमिग्रेशन है और एक प्रोविंशियल इमिग्रेशन। फेडरल की रिक्वायरमेंट ज़रा हाई है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो होता है IELTS जो कि मोस्टली लोगों
को नो हाउ है इसके बारे में, आयल्स थोड़ा हाई रिक्वायरमेंट है, जबकि सुबाई लेवल पे आयल्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है. तो मोस्टली हमारे लोग जो हैं वो कर जाते हैं आयल्स इजीली, कर लेते हैं. तो पैसे कितने को चाहिए होता है? पैसे गवर्नमेंट फेसेस हैं, अगर तो वो खुद से कर रहे हैं तो सिंगल पर्सन की कनाडा में $825 जो है वो एप्लीकेशन फीस है, और उसके बाद 500 उसकी पीआर फीस है, प्लस जो उसकी इक्विवेलेंसी करवाने के पैसे हैं वो 225 से लेके $300 तक हैं कैनेडियन डॉलर. ये मैं कैनेडियन डॉलर की बात कर रहा हूँ. तो इसमें मैक्सिमम एक बंदे का एक्सपेंस को 4 से 5 लाख रुपया तक आ जाते हैं. 4 से 5 लाख. अच्छा, ये जो मास्टर्स की डिग्री होती है, एमफिल की डिग्री, इन लोगों को, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको उनकी डिमांड के मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही, जॉब्स नहीं मिल रही, तो उनके लिए क्या होना चाहिए कि वो बाहर चले जाएं? जी, मैंने भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है. मैंने भी अपने जो मेरा बिजनेस है हाइब्रो, 18 ईयर्स से मैंने इसमें देखा है कि जो लोग प्रॉपरली एजुकेटेड हैं, इंग्लिश लेवल उनका हाई है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे सरकम चांसेस हैं कि उनको वो सैलरी नहीं मिल रही, तो वो ज़्यादातर वही लोग बाहर का रुख करते हैं. उन्हें नज़र आता है कि बाहर जो है वो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, हमें सैलरी पैकेज अच्छा मिल सकता है. सैलरी पैकेज के अलावा भी और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब हेल्थ, एक लाइफ स्टैंडर्ड आपका बेहतर हो जाता है, आपको हेल्थ आपकी बेहतर हो जाती है. कल को आप मैरिड होते हैं, आपकी मिसेज, आप उनको बुला सकते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को बुलवा सकते हैं, पेरेंट्स को स्पॉन्सर करके बुलवा सकते हैं. अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुना है, तो पाकिस्तान में रहते हुए हम इसको किस तरह, मतलब कैसे चेक करवा सकते हैं, या इसके पीछे क्या होता है कि मतलब हम पाकिस्तान में रहते हुए हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकें, क्योंकि बाहर के ममालिक में तो है ही है, पाकिस्तान में किस तरह ये? पाकिस्तान में भी बेशुमार कंपनीज हैं जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं, उसमें कुछ तो हैं जो लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी करती हैं, वो भी बेहतर है. ऑब्वियसली उस लेवल पे तो नहीं है, वहाँ तो गवर्नमेंट प्रॉपरली सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ प्राइवेटली जो कंपनीज हैं वो अपने तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करती हैं. गवर्नमेंट के एंड से मतलब जब भी गवर्नमेंट कोई चेंज होती है, वो अपना कुछ ना कुछ हेल्थ के हवाले से इंट्रोड्यूस तो करवाते हैं लोगों में. अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है, लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसमें भी कुछ चल रहा था, मतलब पहले से बेहतरी हमारे कंट्री में भी आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली वो जो कंट्रीज हैं हमसे बहुत बेहतर हैं, बहुत, मतलब उनके यहाँ हेल्थ के कॉन्सेप्ट या हेल्थ को प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा है. अच्छा, इमिग्रेशन के 5 aspects क्या हो सकते हैं, वो बता दें वन बाय वन. सबसे पहले अगर आप इमिग्रेशन करवाना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री की, तो आपको अपनी नंबर वन है एजुकेशन. एजुकेशन बेहतर होनी चाहिए, मतलब अगर तो आपने नेशनलिटी पे जाना है तो 4 years बैचलर के बाद मास्टर, या एटलीस्ट 4 years बैचलर, 3 years वर्क एक्सपीरियंस, या एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस. स्टडी पे जाना है तो मिनिमम इंटर. इंटर के साथ जो हमारी 12 है, इंटर कह लें या ए लेवल कह लें, आई कॉम कह लें, एसोसिएट डिप्लोमा कह लें, इसके बाद आप इजीली जो है वो किसी भी कंट्री में बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं. फिर बैचलर के अगर किया हुआ है तो फिर आप मास्टर में ले सकते हैं, अगर मास्टर किया हुआ है तो पीएचडी में ले सकते हैं. 3-4. हाँ, मैं ये रिकमेंड करूँगा, जो बहुत सारे लोग हमारे पास स्टडी के लिए आते हैं, उनके पास एमफिल की एजुकेशन होती है, 3 years का वर्क एक्सपीरियंस भी होता है, और वो एजुकेशन के लिए आते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो अपनी नेशनलिटी लें, वो इमिग्रेशन लें. स्टडी में उनका एक्सपेंस ज़्यादा होगा, वो इमिग्रेशन की तरफ आए. ऑब्वियसली उनको आर्ट्स पे थोड़ा तवज्जो देना होगी, अगर वो आर्ट्स बेहतर कर लेते हैं तो वो इजीली अपनी इमिग्रेशन करवा सकते हैं, और बहुत नॉर्मल पैसों में. अच्छा, बाहर के ममालिक में जाने के लिए 1, 2, 3 steps क्या होते हैं?
लाइक अगर इससे पहले मेरा एक सवाल ये है कि एजुकेशन वीज़ा कितने तक जो है एक्सपेंस में पड़ जाता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने जाना हो या मेरे जैसे और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जाना हो, तो उनके लिए कितने? देखिए सानिया, ये डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोग फ्री एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं और उसमें हमारे पास ऑप्शन भी है, लाइक अभी इटली है, जर्मनी है, नॉर्वे है, यूरोप के कुछ और कंट्रीज भी हैं जो आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं तो आई थिंक सो कि उनको सिर्फ अपनी ट्रेवल कॉस्ट देना पड़ेगी और शायद कोई वो मैक्सिमम कितनी होती है ट्रेवल कॉस्ट? 1 लाख प्लस और उधर फ्री सारा रहना पड़ता है या कोई? नहीं, रहना तो फ्री नहीं पड़ता, मतलब एक्सपेंस आप रहने के खुद से करेंगे, ट्यूशन फी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की है वो आप बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे। फ्रॉड लोगों से किस तरह बचा जा सकता है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होता है? जी, ये अक्सर क्वेश्चन मैं जब भी किसी मीडिया प्रोग्राम में जाता हूँ और मुझे ये किया जाता है तो लोग कहते हैं जी के आए दिन हमारे साथ ये मसाइल होते हैं, ये उसमें हमारा अपना भी फॉल्ट है। आप जब भी किसी ऑफिस में जाएं, ना सिर्फ देखें मैं कंसल्टेंट या किसी कंसल्टेंसी फर्म की बात नहीं कर रहा, आप और भी तो बेशुमार फील्ड हैं, लाइक आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी इंजीनियर्स के पास जाते हैं, आपने घर बनवाना है, आप उसका प्रोफाइल चेक करते हैं, आप तो सोशल मीडिया पे हर चीज आपको अवेलेबल है, एक क्लिक पे आप देखें कि उसका मार्केट में रिप्यूट क्या है, आप उसका सोशल मीडिया पे उसका फोकस करें, उसको देखें कि ये बंदा कब से इस फील्ड में है, इसकी रेटिंग क्या आ रही है। हमारे मैं तो कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि बच्चे हमारे पास आते हैं, वो इतनी इंफॉर्मेशन होती है हाइब्रो के बारे में उनके पास, तो वो सब चेक करके आते हैं। तो आप पहले मार्केट रिप्यूट चेक करें कि ये बंदा कब से बैठा हुआ है, आया इसका कोई बैड रिप्यूट तो नहीं है, तो इजीली आपको हर चीज का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तो फ्रॉड नहीं। फ्रॉड तो हर फील्ड में है सानिया, ठीक है, आप कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें फ्रॉड नहीं है, लेकिन उसी फील्ड में बहुत अच्छे लोग भी हैं। मुझे दो दफा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड गवर्नर साहब ने दिया, माशाल्लाह, ठीक है, और इस तरह के बेशुमार अवार्ड्स हैं जो मैं ले चुका हूँ, और लास्ट 18 ईयर्स में अल्लाह का शुक्र है एक ही जगह पे एक ही सेटअप में हम बैठे हैं और बड़े बेहतर और लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, हम वो केस लेते ही नहीं जो पॉसिबल नहीं है। और जो लोग प्रॉपर्टी लेते हैं उधर, उनके लिए वीजा किस तरह ले सकते हैं वो? देखें, प्रॉपर्टी अगर तो आप विजिटर वीजा पे जाके प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको नेशनलिटी या आपको पीआर कार्ड नहीं मिलेगा। पीआर कार्ड से मतलब है परमानेंट रेजिडेंसी, जो कि लीडिंग टू नेशनलिटी होती है। प्रॉपर्टी आप लें किसी इनकी जो ऑप्शंस होती हैं अंडर द पॉलिसी यूरोप में, जैसे कनाडा में भी बिजनेस इमिग्रेशन हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, आप उस प्रोग्राम के तहत आप प्रॉपर्टी लें या इन्वेस्टमेंट करें, देन आपको नेशनलिटी मिलेगी। तो जो लोग वहाँ पे रह के इधर से लोगों को मंगवाते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस होता है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो आप बात कर रही हैं फैमिली स्पॉन्सर की। जी, कनाडा में ये ऑप्शन है कि कनाडा के टू प्रोविंसेस ऐसे हैं जिसमें आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, एक मैनिटोबा है और एक सस्केचवन है। उसमें ये है कि आप अपने कजन से लेके सिबलिंग्स, मतलब छोटे बहन भाई, पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स, ब्रदर इन लॉ, उनको भी बुलवा सकते हैं। करंटली क्या चल रहा है, क्योंकि पेंडेमिक है और ये सारे के सारे मामला थे, करंट चल क्या रहा है, किस तरह के वीज़े, क्या प्रोसीजर है, क्या वो सारा भी बताओ। देखें, प्रोसेसिंग तो हो रही है, लेकिन पहले से बहुत कम। हाँ, मैं लोगों को ये बताता चलूँ कि इस वक्त कनाडा अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इक्वलेंसी करवा सकते हैं कनाडा से,
आप आइट्स भी हो रहे हैं, आइट्स भी दे सकते हैं, अपने केस को थ्रू कर सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे अभी आपका ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन यूके में स्टूडेंट वीज़ा भी हो रहा है, विजिटर वीज़ास भी हो रहे हैं और लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कुछ कंट्रीज जो हैं वो फिलहाल वक्ती तौर पे ट्रैवलिंग उनकी बैन है, ट्रैवलिंग बैन है जी। तो कोई एक ऐसा पैगाम जो हमारी यूथ के लिए हो और उनको इससे सबक भी हासिल हो और वो इससे फ़ायदा भी उठाएं। देखिए यूथ, मैं बिल्कुल लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास आपको चांस मिलता है तो ज़रूर फॉरेन एजुकेशन ले, भले मास्टर या बैचलर करके वापस आए, अपने मुल्क की खदमत करें। हम नहीं कह रहे कि आप वहीं पे स्टे करें, या आपको नेशनलिटी मिलती है, आप नेशनलिटी लेके भी तो वापस आ सकते हैं। मैंने अपनी 18 इयर्स के कैरियर में देखा है, लोगों ने पासपोर्ट लिए, वो वापस आ गए, अपने मुल्क को सर्व कर रहे हैं और जब चाहें वो आ जा सकते हैं, अपने बच्चों को, पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं, वहाँ भी जाते हैं, इधर भी रहते हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप वहीं पे स्टक होके रह जाएं। जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे ज्यादा हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मतलब यूके अब जनवरी से बेहतर हो, कनाडा भी, कनाडा तो पहले से ही बेहतर है। अब ये लोगों का ये होता है जी कि मैं डॉक्टर था, मुझे एज अ डॉक्टर वहाँ जॉब नहीं मिली। भाई वो नहीं मिलेगी आपको जब तक आप उनका कैनेडियन मेडिकल काउंसिल का टेस्ट पास ना करें ठीक है। लेकिन आप डॉक्टर के साथ, किसी भी डॉक्टर के साथ उसकी हेल्प कर सकते हैं, साइड पे काम कर सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं, आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकते हैं। मतलब पीआर से आपको ये नहीं है कि आप डॉक्टर, एज अ डॉक्टर गए हैं तो आपने एज अ डॉक्टर ही जॉब करनी है, आप कुछ और भी कर लें, साथ साथ आप अपनी स्टडी को एनहांस करें। और इसी तरह मैं बाकी जो दूसरे प्रोफेशंस हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये बिल्कुल ना सोचे कि जाते ही आपको सेम फील्ड में जॉब मिल जाए। और बहुत सारे लकी प्लेट में रखी हुई तो कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल बहुत सारे लकी हैं जिनको जाते सेम जॉब भी मिल जाती है। लाइक हमारे बैंकर्स हैं, मैंने बेशुमार बैंकर्स को देखा, सारे बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको उस कंट्री के लेवल पे जाके अपनी स्किल्स को इन्हांस करना। जी तो नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह हम फ्रॉड से बच सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे ज्यादा है, इमिग्रेशन वीजा किस तरह लिया जा सकता है, स्किल वर्कर क्या है और बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आप सबके लिए जानना जरूरी थी। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की मजीद वीडियोज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।